हे गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग स्मार्टफोन जो आपको जून मंथ में इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। आप में से बहुत से लोगों को अभी एक न्यू स्मार्टफोन का रिक्वायरमेंट है और ड्यू टू लॉकडाउन आप लोग उसे बाय नहीं कर पा रहे थे और इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से कंपनीज अपने मोबाइल लॉन्चेस को पोस्टपोन कर रहे थे। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो चुका है और ऑनलाइन स्मार्टफोन परचेज करने पर जो रिस्ट्रिक्शन थे वो अभी हट चुके हैं। इवन काफ़ी जगह पर तो स्मार्टफोन डिलीवरीज स्टार्ट भी हो चुकी है। तो इस मंथ आपको बहुत सारे न्यू स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं, तो डेफिनेटली वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो जानकारी के लिए वीडियो के साथ में बने रहिए। ऑलराइट गाइज, स्टार्ट करते हैं इंडियाज मोस्ट पॉपुलर ब्रांड Xiaomi के साथ में, जहां आपको बजट सेगमेंट के साथ साथ मिड रेंज फ्लैगशिप डिवाइस भी देखने को मिलेंगे। Redmi Note 9 7, जिसका वेट आप लोगों में से काफी लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, जून मंथ में आपको देखने को मिलेगा। Helio G85 चिपसेट के साथ में ये डिवाइस Realme Narzo सीरीज को काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन देने वाला है। इसके अलावा Redmi 9 और Redmi 9A डिवाइस भी साथ में लॉन्च हो सकते हैं। सो ये तो बात हुई बजट सेगमेंट की। अब मिड रेंज फ्लैगशिप डिवाइस की बात करें तो Redmi K30 Pro, जो कि Poco F2 के नाम से ग्लोबल लॉन्च हुआ है, इंडिया में Redmi K30 Pro के नाम से ही लॉन्च होगा, जहां आपको Snapdragon 865 के पावरफुल चिपसेट के साथ साथ काफी जबरदस्त कैमरा फीचर देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस, Poco भी नेक्स्ट मंथ एक न्यू स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च कर सकता है। डोंट वरी, Poco F2 अभी नहीं आएगा, बट Poco M2 और M2 Pro डेफिनेटली लॉन्च हो सकते हैं। ये डिवाइस 15 से 20 हज़ार के प्राइस सेगमेंट पर आएंगे और ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि Redmi 10X सीरीज जो अभी रिसेंटली चाइना में लॉन्च हुई है, इंडिया में उसे Poco M2 सीरीज के साथ में लॉन्च कर दिया जाए। तो Xiaomi की तरफ से जून मंथ में भर भर के डिवाइस लॉन्च होने वाले हैं। गाइज, अगर Xiaomi आ रहा है तो Realme तो 101% आएगा। तो Realme भी अपने मोस्ट अवेटिंग X3 सीरीज को लॉन्च कर सकता है, जहां आपको Realme X3 और X3 सुपर जूम एडिशन देखने को मिलेगा, जो कि रिसेंटली अभी यूरोप में लॉन्च हुआ है और इंडिया में Redmi K30 Pro के लिए काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन हो सकता है। और ये 100% कन्फर्म है कि नेक्स्ट मंथ ये डिवाइस इंडिया में लॉन्च होंगे। इसके अलावा बजट सेगमेंट में Realme 6X डिवाइस भी लॉन्च होने वाला है, जिसको लेकर चैनल पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, अगर आप 10 से 11000 के प्राइस सेगमेंट में किसी डिवाइस का वेट कर रहे हैं। अब बजट सेगमेंट की बात हो रही है तो Infinix मोबाइल तो उसके लिए काफी पॉपुलर है। तो Infinix की तरफ से आपको Note 7 सीरीज देखने को मिल सकती है, जहां Infinix Note 7 और Note 7 Lite डिवाइस लेकर आ सकता है। ये डिवाइस Helio G70 के पावरफुल बजट गेमिंग चिपसेट के साथ में आएंगे, साथ में एक जबरदस्त कैमरा, पंच होल डिस्प्ले और पावरफुल बैटरी भी आपको ऑफर करते हैं। तो जिन लोगों का बजट 10,000 के आसपास है, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। गाइज, नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो वीवो की तरफ से आपको वीवो V19 Pro डिवाइस जून मंथ में देखने को मिलेगा। Vivo V19 जो कि 28,000 के करीब लॉन्च हुआ था, तो कन्फर्म है कि ये डिवाइस 30,000 से ऊपर के प्राइस बजट पर आएगा। अब क्या फीचर्स होंगे ये आपको नेक्स्ट मंथ पता चल जाएंगे। इसके अलावा Vivo X50 सीरीज को भी इंडिया में लॉन्च कर सकता है, जो कि एक जबरदस्त कैमरा सेंट्रिक डिवाइस है। ये डिवाइस Vivo की एक फ्लैगशिप सीरीज होगी, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस पर लॉन्च होगी, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कैमरा के साथ में ही आते हैं। अब बात करें Vivo के सब ब्रांड iQOO को लेकर, तो iQOO की तरफ से आपको एक न्यू फ्लैगशिप किलर डिवाइस देखने को मिल सकता है। रिसेंटली चाइना में iQOO ने iQOO 3 और iQOO Z1 लॉन्च किए थे। अब इनमें से एक डिवाइस डेफिनेटली iQOO नेक्स्ट मंथ इंडिया में लॉन्च करेगा। तो वो लोग जिनको एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए अंडर 30,000, तो उनके लिए एक बहुत ही बेटर ऑप्शन होने वाला है। अब गाइस, बात करते हैं ओप्पो की, तो ओप्पो फाइंड X2 सीरीज कन्फर्म्ड आपको जून मंथ में देखने को मिलेगी। ये एक ट्रू फ्लैगशिप ग्रेड डिवाइस होने वाले हैं, जो कि इसी मंथ लॉन्च होने वाले थे, बट ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन ओप्पो ने इस लॉन्च इवेंट को कैंसिल कर दिया। अब जून मंथ में कन्फर्म्ड ये डिवाइस लॉन्च होने वाले हैं। ये डिवाइस 60 से 70 हज़ार के प्राइस बजट पर आएंगे। अब इस प्राइस बजट पर आपको ऑलरेडी OnePlus, Motorola और Samsung की तरफ से काफी सारे जबरदस्त डिवाइस देखने को मिलते हैं। लेट्स सी इंडिया के अंदर इन डिवाइस को कितना रेस्पॉन्स मिल पाता है। अब बात आती है Samsung लवर्स की, तो उनके लिए भी जून मंथ में Samsung कुछ न्यू बजट सेगमेंट के डिवाइस लॉन्च करने वाला है, जहां Samsung M31 और M51 डिवाइस लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा Samsung A31 भी डिवाइस आपको जून के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक डेफिनेटली इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो वो लोग जो सिर्फ Samsung का डिवाइस लेना पसंद करते हैं, तो जून मंथ में उनके लिए काफी सारे डिवाइस लॉन्च होने वाले हैं। इसके अलावा Asus भी नेक्स्ट मंथ अपने 2 डिवाइस लॉन्च कर सकता है, जो पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है, बट शायद से आपको ROG 3 देखने को मिल सकता है और Zenfone 7 सीरीज भी देखने को मिल सकती है। अगर ROG 3 डिवाइस इंडिया में लॉन्च होता है, तो आई एम श्योर गेमिंग लवर्स इस डिवाइस का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे होंगे। और फाइनल डिवाइस की बात करें तो गूगल की तरफ से आपको Pixel 4a डिवाइस नेक्स्ट मंथ इंडिया में देखने को मिल सकता है। आई नो पिक्सल फैंस इस डिवाइस का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे होंगे। ये डिवाइस iPhone SE 2020 के कॉम्पिटिशन में लॉन्च करेगा, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पिक्सल डिवाइस अपने बेस्ट कैमरा क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। तो ये डिवाइस 40,000 के प्राइस बजट पर आएगा, और जो पिक्सल फैंस है वो
डेफिनेटली इसे बाय करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये है वो अपकमिंग स्मार्टफोन जो आपको नेक्स्ट मंथ इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो बजट सेगमेंट की बात हो या फिर फ्लैगशिप सेगमेंट की, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इनमें से जो डिवाइस चाहें बाय कर सकते हैं। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप किस डिवाइस के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि एक न्यू माइलस्टोन बनाने में आप मुझे बहुत सारा सपोर्ट कर सके। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।